हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर मोशन की एक्सरसाइज, जो कि एनसीईआरटी में, जिसमें हम पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। As in this question, it is given that an athlete completes one round of circular track. तो ये एक circular track है and the diameter is given 200 meter. This is the diameter which is representing by D is equal to 200 meter and it covers it in 40 second. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें इस circular track की length को निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ से एथलीट चलना स्टार्ट करता है और वो 40 सेकंड में अगेन इस पोजीशन पर आ जाता है। तो इसको निकालने के लिए जो लेंथ होगा सर्कुलर ट्रैक का, लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक विच विल बी इक्वल टू पैरामीटर एंड वी नो दैट पैरामीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। एंड हम जानते हैं कि ये जो डी होता है ये 2 टाइम्स होता है रेडियस का, तो 2 आर को हम यहाँ डी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी। और जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, पाई की वैल्यू हम जानते हैं होती है 22/7 एंड डी इज इक्वल टू 200। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 22 की 200 से तो हमें मिलेगा 4400/7 मीटर। तो इतनी जो है लेंथ की ट्रैक, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हो गई है। मतलब जब एक एथलीट यहाँ से घूम चलता है, यहाँ से चला और वो यहाँ से घूमकर यहाँ पर दोबारा आ गया, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो ए है। अब हमसे क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि आपको बतानी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस 2 मिनट 20 सेकेंड में निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि 2 मिनट 20 सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा 20 सेकेंड में। तो टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। देन 2 मिनट विल बी 2 × 60 + 20। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 120 + 20 और ये हो जाएगा आपका 140 सेकेंड। तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है। तो ये जो लेंथ ट्रैक है इसकी, वो उसने बोला कि एक कंप्लीट जो इसका चक्कर लगता है वो 40 सेकेंड में लगाता है। तो अब हम इसको ऐसा निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 सेकेंड, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकेंड, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला था। तो अभी हमने देखा था कि इसकी वैल्यू थी 4400/7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 4400/7 मीटर। और हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि 1 सेकंड में कितना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इट विल बी इक्वल टू 4400/7 और हम इसको डिवाइड करेंगे 40 से। अब फाइनली हमें जो कैलकुलेशन करनी थी वो करनी थी 140 सेकंड के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 140 सेकंड विल बी 4400, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 140 से। देन वी कैन राइट दैट 4400/7 × 40 × 140। तो यहाँ पर इस हम 7 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 × 14 एंड 0, और फिर इस 0 से 0 को काटेंगे और ये जाएगा आपका 2 टाइम्स। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 2200 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 2.2 किलोमीटर।
अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि ये जो है 140 सेकंड में कहाँ पर होगा। इसकी पोजीशन अगर हम यहाँ निकाल लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा कि इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ रही 140 सेकंड पर। तो अभी हम इसको क्या करते हैं कि अभी हमने निकाला था ऊपर डिस्टेंस के लिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिस इज़ फॉर डिस्टेंस, और यहाँ लिखते हैं कि दिस इज़ फॉर डिस्प्लेसमेंट। एंड एज इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट 40 सेकेंड में ये एक राउंड को कंप्लीट करता है, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो अभी हमें यहाँ पर टोटल राउंड निकालने हैं रेवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड जो कि हमें दिया हुआ था कि एक राउंड में वो 40 सेकेंड लेता है, तो एक सेकेंड में वो कितने राउंड लगाएगा, वो लगाएगा 1/40। एंड हमें फाइनल पोजीशन के लिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का पता होना चाहिए था, तो 140 सेकेंड में इसमें निकल कर आएगा 1/40 × 140। दिस इज 140, 0 से 0 को कैंसिल किया और इसको करेंगे तो 2 × 2 = 4 and 2 × 7 = 14, सो इट विल बी इक्वल टू 7/2 = 3.5। तो वो 3.5 रेवोल्यूशन लेगा, तो उसकी फाइनल पोजीशन देखिए कहाँ होगी कि पहले वो 3.5, एक यहाँ से जब वो रेवोल्यूशंस लेता है, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए पहले यहाँ से वो चला, उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, फिर दो, फिर उसके बाद में तीसरा, और फिर वो पहुँचेगा यहाँ पर इस पोजीशन पर। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये पॉइंट मान लेते हैं वो बी है। तो यहाँ पर अब हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ पाथ, सर्कुलर पाथ, और वी कैन राइट दैट पाथ, सो एज इट इज गिवन दैट 200, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।